नमस्कार, वेलकम यू गाइस वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने यूनिट बीएससी पार्ट सेकंड के लिए यूनिट सेकंड शुरू कर रखी है, जिसमें हम अल्कोहल्स ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। कल जो हमने शुरू किया था, यानी पिछले लेक्चर में जो हमने शुरू किया था, वो था फिनॉल्स। ठीक है, उसमें हमने फिनॉल्स देखे थे, क्या होते हैं फिनॉल्स और क्या ये अल्कोहल्स होते हैं या नहीं। तो हमने देखा था कि फिनॉल्स जो होते हैं वो अल्कोहल्स की कैटेगरीज में नहीं आते। ठीक है, और दूसरा जो अल्कोहल होते हैं उनमें बेंजीन, क्योंकि फिनॉल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ रहता है, और जो अल्कोहल होते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, उनमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई जो साइड चेन होती है उस पर जुड़ा होता है, तो वो आते हैं अल्कोहल की श्रेणी में। ठीक है, उसका हमने स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग देखा था कि फिनॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें बॉन्डिंग कैसी होती है। तो हमने बोला था के ऑक्सीजन के प्लस आर इफेक्ट की वजह से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में रहते हैं, और रेजोनेंस में रहने की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉल। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि फिनॉल की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं, यानी फिनॉल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल यानी कि फिनॉल को बनाने की विधियां, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम फिनॉल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो जो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है वो है हेलोएरीन से। किससे? हेलोएरीन से हम फिनॉल की प्रिपरेशन करेंगे। हेलोएरीन्स मतलब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होंगी, पढ़ के आए हो भाई हेलोएरीन्स क्या होती हैं। तो जो हम पहला प्रोसेस देखने वाले हैं वो क्या है, हेलोएरीन से निर्माण। हेलोएरीन्स मतलब बेंजीन की रिंग होगी, उस पर कोई हैलोजन लगा होगा, तो हेलोएरीन्स। यहाँ पर जो हम हेलोएरीन यूज़ करते हैं वो यूजुअली कौन सी होती है, वो होती है क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर यानी कि जो हम फिनॉल की प्रिपरेशन करेंगे वो किससे करेंगे, क्लोरोबेंजीन से। और जो हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल की प्रिपरेशन करते हैं, ये मेथड इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ होता है, यानी कि औद्योगिक विधि है ये, यानी बड़े स्तर पर फिनॉल की प्रिपरेशन की जाती है इसी मेथड से, हेलोएरीन से की जाती है। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस हैं, हेलोएरीन से बनाने के दो प्रोसेस हैं, एक तो है हमारा राशिन विधि और दूसरा है डाउ प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम जो हेलोएरीन यूज़ करने वाले हैं वो कौन सा है, क्लोरोबेंजीन को यूज़ करने वाले हैं। कौन सी? क्लोरोबेंजीन यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर हम हेलोएरीन में। ठीक है, तो यहाँ पर हेलोएरीन से जो निर्माण किया जाता है इसकी भी ना दो विधियाँ हैं, एक तो विधि है डाउ प्रक्रम, एक तो क्या है हमारा डाउ प्रक्रम, डाउस प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल लेवल पर जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है फिनॉल के निर्माण के लिए वो यही है, डाउ प्रक्रम यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, यानी कि बड़े लेवल पर हमको फॉर्मेशन करनी है तो जो उसकी औद्योगिक विधि है वो यही है, डाउ प्रक्रम से फिनॉल का निर्माण। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हमारा क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन को 200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा उच्च वायुमंडल दाब पर किसकी उपस्थिति में, CuCl2। कौन सा उत्प्रेरक होगा इसमें यूज, कॉपर क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, तो CuCl2 उत्प्रेरक की CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 10% NaOH या एक्वस Na2CO3 के साथ Na2CO3 के साथ क्या करने पर, जल अपघटन करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, क्या करेंगे हम, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे वेरी हाई टेम्परेचर पर, यानी ये लेंगे हमारे पास क्या होगा रिएक्शन, ये होगी, पहले रिएक्शन देखते हैं फिर मैकेनिज्म, है ना। तो ये लेंगे हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, आगे देखते हैं। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ, किसकी उपस्थिति में, CuCl2
की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, कितना टेम्परेचर ले रहे हैं, 300 नहीं तो 200 रखिए, कितना रखिए 200 या 300 रखिए, आपको सॉरी 300 रखना है, उल्टा लिख गया, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, और हमें दाब कैसा रखना है, उच्च वायुमंडल दाब पर जब हम रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, हमें इस तरह से हमारी फिनॉल प्राप्त होगी, प्लस साथ में क्या निकलेगा, साथ में HCl बाहर निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा बाहर, साथ में HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर यही रिएक्शन हम Na2CO3 के साथ करा रहे हैं, ये हेलोबेंजीन या सॉरी क्लोरोबेंजीन, हेलोजन में कौन सा लिया, क्लोरोबेंजीन लिया, अगर यही रिएक्शन हम Na2CO3 के साथ करा रहे हैं तो क्या होना लेना पड़ेगा, इसका जलीय विलयन लेना पड़ेगा, यानी कि साथ में कौन होगा, जल भी होगा, है ना, साथ में जल होगा, सेम कंडीशन होंगी, ये वाली जो सेम कंडीशन है यहाँ पर मैंने ऐसा लगा दिया, ऐसी सेम कंडीशन होंगी, क्या बनेगा हमारे पास, तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी, किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास, हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, Cl लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, प्लस क्या मिलेगा हमको बताइए, क्या मिलेगा, प्लस NaCl मिलेगा यहाँ से हमें, और क्या मिलेगा, दो Na2 है ना, तो NaCl मिलेगा, प्लस हमें NaHCO3 मिलेगा, सोडियम बाई कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनकी मैकेनिज्म कैसे होती है, जल्दी से आप नोट कीजिए आप जल्दी से मैकेनिज्म देखते हैं। ये रिएक्शन कराना है तो सबसे पहले हमारे पास हेलो एरीन उपस्थित होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास क्या उपस्थित होना चाहिए, हमारे पास उपस्थित होनी चाहिए क्लोरोबेंजीन, क्या, क्लोरोबेंजीन उपस्थित होनी चाहिए। तो मैकेनिज्म कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ क्या लिखा रहे हैं, मैकेनिज्म लिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या मौजूद है हमारे पास, Cl मौजूद है, क्या है, Cl मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, एक हाइड्रोजन, सभी पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसको दिखा दिया हमने, हमने क्या लिया हुआ है, NaOH लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, NaOH लिया हुआ है, NaOH कैसा होता है, वो भी कैसा, एक्वस NaOH लिया हुआ है, NaOH क्या रहेगा, एक इसमें Na प्लस रहता है और एक OH माइनस रहता है, इसके अंदर एक तो रहता है Na प्लस और दूसरा OH माइनस, OH माइनस क्या करेगा, जाएगा और इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, हो जाएगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, क्या प्राप्त होगा हमको, हमको प्राप्त होगा यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर क्या निकलेगा यहाँ से, H2O जो है वो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से OH माइनस H प्लस को लेके H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे मैं इसको ऐसे बना दूं, बॉन्ड तो घूमते रहते हैं, डिलोकलाइज करते रहते हैं, ठीक है, ऐसे बना दिया, आगे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ शिफ्ट होगा और ये क्लोरीन जो है ये बाहर निकल जाएगा, यहाँ से कौन बाहर निकला, Cl- जो है वो बाहर निकला और क्या बना हमारे पास, क्या बना हमारे पास, हमारे पास बना ये क्या है, ये भाई बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, ये जो हमारा जो रिएक्शन हो रहा है इसी का इंटरमीडिएट है, इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं, और ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसी को बोलते हैं बेंजाइन, यानी कि ये जो रिएक्शन होती है डाउ प्रोसेस, इसमें हम बेस का यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमारा इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर कौन, बेंजाइन, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, रिएक्टिव स्पीसीज है, रिएक्टेड इंटरमीडिएट है, और क्योंकि जो बेंजाइन होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, मतलब इसको पकड़ पाना भी मुश्किल है कि रिएक्शन में ये बनाता, तुरंत ही बनता और तुरंत ही रिएक्शन कर जाता है, हालांकि हमने बोर्ड पर दिखाया हुआ है तो ये बेचारा कहीं नहीं जा सकता, लेकिन नॉर्मली ये तुरंत ही रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद क्या होगा, हमने क्या लिया था, NaOH लिया था, सॉल्यूशन लिया था NaOH का, अब उसमें एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा NaOH का, और भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो यहाँ से OH माइनस जो है जाएगा और कार्बन पर अटैक कर देगा और ये वाला बॉन्ड फिर से इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा हमको, देखते हैं भाई क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर तो आ गया OH और इस कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर तो आ गया OH और इस कार्बन पर आया नेगेटिव चार्ज, आगे क्या होगा,
ये जो है मैं इसको यहाँ बना लेती हूँ, OH है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर H2O भी तो होगा, HOH, यहाँ पर OH माइनस था, इसने H प्लस ले लिया तो H2O बाहर निकला था ना, तो यहाँ पर बेस वापस से मुक्त भी तो होगा, बेस ने प्रोटॉन लिया है तो बेस मुक्त भी तो होगा, तो यहाँ पर H है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H प्लस होगा, OH क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ से H प्लस ले लेगा और OH माइनस यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यानी कि ये हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा OH, क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास OH, ठीक है, OH फॉर्म हुआ हमारे पास। इस तरह से हमने यहाँ पर क्या बनाया हमने यहाँ पर जैसे ये Cl माइनस आपने लिखा है, यहाँ से Na प्लस भी तो मुक्त हुआ था, तो यहाँ पर क्या बाहर निकलता है, NaCl, तो आप इसको Cl माइनस ना दिखा करके NaCl दिखा लीजिए, क्योंकि यहाँ से Na प्लस भी तो बचा हुआ था और यहाँ से Cl माइनस निकला, तो उसने क्या बना लिया, NaCl जो बनाया उसके फॉर्म NaCl बाहर निकल गया, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर और कौन बाहर निकला, OH माइनस यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकला, यानी कि बेस, और ये वापस Na प्लस के साथ क्या बना लेगा, NaOH की फॉर्मेशन कर लेगा, और इस तरह से हमारा यहाँ पर किसका निर्माण होता है, यहाँ पर निर्माण होता है हमारा फिनॉल का, किसका निर्माण होता है, फिनॉल का। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन बना, बेंजाइन बना। इस जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, यानी कि पहले एलिमिनेशन हुआ उसके बाद एडिशन, ये जो रिएक्शन है इसको क्या बोला जाता है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, यानी पहले एलिमिनेशन हुआ उसके बाद एडिशन हुआ, एलिमिनेशन हुआ ना, पहले यहाँ से H प्लस गया उसके बाद Cl माइनस गया, कौन बना, बेंजाइन बना, तो यहाँ से पहले एलिमिनेशन हुआ उसके बाद NaOH का एडिशन हुआ, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। इसका दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो तब हो सकता है, ये जो बेंजीन रिंग है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब हम अगर इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएँ तो वो बहुत थोड़ा टफ होता है, क्यों, क्योंकि बेंजीन रिंग कैसी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है, तो अगर हमको न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं करानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दो तरीके होते हैं, या तो एलिमिनेशन एडिशन के थ्रू कराएं, या दूसरा तरीका होता है एडिशन एलिमिनेशन, यानी कि पहले ऐड कराएं उसके बाद एलिमिनेट कराएं, या पहले एलिमिनेट कराएं उसके बाद ऐड कराएं। जब हम इस मेथड के थ्रू जाते हैं एलिमिनेशन एडिशन, तो हमारा इंटरमीडिएट कौन बनता है, बेंजाइन बनता है, और जब हम एडिशन एलिमिनेशन के थ्रू जाते हैं तो ये तब हो पाता है, एडिशन एलिमिनेशन कब होगा, ये तब हो सकता है जब बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला माइनस आर इफेक्ट लगाने वाला ग्रुप उपस्थित हो, यानी कि अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर ये जो हमने लिया है क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, इसकी अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो फिर ये रिएक्शन किससे होता है, एडिशन एलिमिनेशन से। फॉर एग्जांपल देख लेंगे, पहले आप इतना नोट कीजिए, नोट किया, बता दूं, देख लेते हैं ये एडिशन एलिमिनेशन कैसे होता है, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकती हूँ, यदि क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई कैसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित है तो अभिक्रिया किसके थ्रू होती है, एडिशन एलिमिनेशन क्रियाविधि द्वारा शीघ्र संपन्न होती है, यानी कि पहले एडिशन होगा उसके बाद एलिमिनेशन होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, कौन सा होगा, एडिशन एलिमिनेशन। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर फिनॉल नहीं बनेगा, क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बनेगा, यानी कि फिनॉल के व्युत्पन्न प्राप्त होंगे, प्योर फिनॉल प्राप्त नहीं होगा, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, NO2, और पैरा पोजिशन पर भी क्या लगा हुआ है,
NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और हम जानते हैं NO2 ग्रुप क्या है, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींच रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, NaOH पर आएंगे, यानी कि सेम रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ, तो क्या होगा, OH माइनस क्या करेगा, मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये ऐसे है, ठीक है, तो क्या होगा, OH माइनस जाएगा यहाँ पर अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड चला जाएगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, वैसे ही ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन पर, ठीक है भाई, चला गया। आगे क्या, अभी तो क्या हुआ है, एडिशन हुआ है, किसका, OH माइनस का एडिशन हुआ है, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, एन ओ माइनस, और यहाँ पर भी क्या है, ओ माइनस, जैसे ही नाइट्रोजन के चार बॉन्ड बनेंगे, नाइट्रोजन पर चार्ज कैसा आ जाएगा, प्लस, ठीक है। अभी क्या हुआ है, पहला स्टेप क्या हुआ है, पहला स्टेप हुआ है एडिशन का, ये पहला स्टेप अभी कैसा है, एडिशन हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, एलिमिनेशन, कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज वापस अपनी जगह जाएगा, ये बॉन्ड वापस अपनी जगह जाएगा, और यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, Cl माइनस, बाहर कौन निकला, Cl माइनस, यहाँ से Na प्लस, यहाँ से Cl माइनस, बाहर कौन निकला, NaCl, ये बाहर निकला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रिंग वापस से एरोमेटिक हो गई, यहाँ पर NO2 ग्रुप था, वापस NO2 में चेंज हो गया, ये भी NO2 में चेंज हो गया, लेकिन यहाँ क्या आ गया, OH आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, फिनॉल का व्युत्पन्न प्राप्त हुआ। ये कौन सी मैकेनिज्म थी, एडिशन एलिमिनेशन, और वो कौन सी थी, वहाँ पर पहले एलिमिनेशन हुआ उसके बाद एडिशन हुआ, इसलिए वहाँ पर बेंजाइन का निर्माण हुआ था। अगर रिएक्शन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो जो रिएक्शन की रेट है वो बढ़ जाती है, रिएक्शन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ये फिनॉल के व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। और देखते हैं आगे और कौन कौन सी विधियाँ, जल्दी से नोट कीजिए। तो डाउ प्रक्रम को हमने देखा, अब जो दूसरा प्रक्रम है, यहाँ पर डाउ प्रक्रम के अलावा हम दूसरा भी यूज करते हैं हम प्रक्रम, उसको बोलते हैं राशिंग। क्या है, राशिंग प्रक्रम, क्या है ये, राशिंग प्रक्रम है, ठीक है, राशिंग विधि है, राशिंग प्रक्रम, राशिंग प्रोसेस, RASHING राशिंग प्रोसेस। इससे भी हम फिनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर भी हम क्लोरोबेंजीन का यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको क्लोरोबेंजीन बनानी पड़ेगी। और क्लोरोबेंजीन हम कैसे बनाएंगे, बेंजीन से बनाएंगे ना भाई, बेंजीन को आपने फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ा होगा ना, बेंजीन से अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनानी हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, हेलोजिनीकरण करना पड़ेगा। क्लोरोबेंजीन बनानी है इसलिए हमें क्लोरोनीकरण करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्लोरीनीकरण करना पड़ेगा। तो बेंजीन से किसका फॉर्मेशन होगा, पहले बेंजीन से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा, किसके द्वारा, क्लोरीनीकरण द्वारा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बेंजीन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, कॉपर आयरन उत्प्रेरक क्लोरीनेशन रिएक्शन जो होती है, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है ना, तो कॉपर आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, उपस्थिति में HCl, क्या कराएंगे, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HCl तथा वायु के साथ उत्प्रेरक की उपस्थिति में HCl तथा वायु के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या बनती है, क्लोरो बेंजीन का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होती है, क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन बन गई, उसके बाद हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराएंगे, जिसकी उपस्थिति में यहाँ पर उत्प्रेरक दूसरा होगा, उस वाले प्रोसेस में डाउ प्रक्रम में कौन था उत्प्रेरक, CuCl2 उत्प्रेरक था, और यहाँ पर जो उत्प्रेरक होगा वो हमारा सिलिका होता है, क्या होता है, सिलिका होता है। तो और ये रिएक्शन भी जो होती है ये भी हाई टेम्परेचर पर होती है, डाउ प्रक्रम भी किस पर था, हाई टेम्परेचर पर, और ये रिएक्शन भी हाई टेम्परेचर पर होती है। तो हम लिख सकते हैं यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन, तो प्राप्त क्लोरोबेंजीन, कौन सा उत्प्रेरक लेंगे हम यहां पर, सिलिका, तो प्राप्त क्लोरोबेंजीन को किसकी उपस्थिति में,
सिलिका उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, लगभग 425 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत हाई है। ठीक है, कितना है 425 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भाप द्वारा जल अपघटित करने पर क्या प्राप्त होता है हमको, फिनोल प्राप्त होता है, फिनोल की प्राप्ति होती है। हमें बहुत हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बेंजीन से क्या बनाया, बेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन बनाई। ठीक है, तो बेंजीन होता है C6H6 की रिएक्शन कराई, ऐसे लिख लीजिए C6H6 इसकी साथ HCl के साथ प्लस वायु यानी कि हाफ O2 रहेगा और उत्प्रेरक रहेगा कौन सा है, कॉपर आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा टेम्परेचर। और हमारे पास क्या बन के आती है, यहाँ पर बन के आती है C6H5Cl, क्या बन कर आई हमारे पास C6H5Cl, और यहाँ से H और O2 मिलकर क्या बना लेते हैं H2O, ये बन गई हमारे पास क्या बन गई है, ये बन गई हमारे पास क्लोरोबेंजीन। इस तरह से हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनती है और फिर क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई जाती है C6H5, यहाँ से लिख दो क्लोरोबेंजीन को, क्लोरोबेंजीन बन गई तो C6H5Cl की रिएक्शन जब मैं किसके साथ कराऊंगी, H2O भाप जल अपघटित किससे हो रहा है, भाप से, भाप में क्या होता है H2O, लेकिन यहाँ पर उत्प्रेरक कौन रहेगा सिलिका, SiO2 सिलिका रहेगा और ये रिएक्शन बहुत हाई टेम्परेचर पर होगी 425 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी। तो यहाँ पर क्या होगा H2O से जो OH- निकलता है, H2O किस में टूटेगा H+ और OH- में, तो यहाँ पर OH आ जाएगा प्लस, यहाँ से H निकला और यहाँ से Cl निकला, यहाँ से H निकला, यहाँ से तो H और यहाँ से Cl, तो प्लस क्या निकला HCl बाहर निकल गया। इस तरह से ये है राशिंग प्रक्रम, तो हम फिनॉल का निर्माण राशिंग प्रक्रम से या फिर हम क्या कहते हैं डाउ प्रक्रम से कर सकते हैं। मैकेनिज्म देखोगे तो ये मैकेनिज्म तो आप सभी जानते हैं कैसे होता है, ठीक है, और इसका मैकेनिज्म कैसा रहेगा, इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने डाउ प्रक्रम में कराया था, है ना, डाउ प्रक्रम में कराया था। यहाँ पर क्या है H2O है, H2O से हमें क्या प्राप्त होगा, डाउ प्रक्रम में जो हमारा इंटरमीडिएट बना था वो बेंजाइन था, यहाँ पर बेंजाइन इंटरमीडिएट नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जिसका इंपॉर्टेंट होगा मैकेनिज्म हम उसका करा देंगे। ठीक है, तो मैं मिटा रही हूं, और भी विधि देखते हैं क्योंकि अभी बहुत सारी विधि करनी है हमको, तो जहां पर मुझे लगेगा कि इसका मैकेनिज्म होना चाहिए इंपॉर्टेंट है उन सब के मैकेनिज्म में कराऊंगी। ठीक है, तो हमने पहली विधि देखी कौन सी, किससे, हेलोएरीन से फिनोल का निर्माण। अब जो हम दूसरी विधि देखने वाले हैं वो है, दूसरी विधि जो है सेकेंड जो है वो है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा, किसके थ्रू करेंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल द्वारा। बेंजीन की रिएक्शन जब कराते हैं हम किसके साथ, फ्यूमिंग H2SO4 या ओलियम, याद है ना सल्फोनिक अम्ल कैसे बनता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन के सल्फोनीकरण द्वारा, मैकेनिज्म तो पता है ना, ये सल्फोनीकरण क्लोरीनीकरण ये सब कैसी अभिक्रियाएं हैं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, याद है ना बेंजीन कैसी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देती है। तो पहले यहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, और फिर जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा उसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रिएक्शन कहां से शुरू होगी, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण, कैसा लवण लेंगे, सोडियम लवण, यानी कि जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होगा उसमें H+ को हटा देंगे, उसकी जगह कौन जोड़ देंगे, सोडियम जोड़ देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सोडियम लवण बन जाएगा। तो सोडियम लवण को किसके साथ, NaOH, किसके साथ, NaOH के साथ
क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, NaOH के साथ फ्यूज करते हैं। फ्यूज का मतलब संगलित करते हैं। तो जब हम फ्यूज करेंगे तो क्या बनता है, के साथ फ्यूज करने पर क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनेट का सोडियम लवण बनता है। क्या बनता है, बेंजीन सल्फो सॉरी सोडियम फिनोक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होता है। सबसे पहले कौन बनता है, सोडियम फिनोक्साइड, जिसका जल अपघटन करते हैं जब हम अम्लीय जल अपघटन करते हैं, ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, फिनोल। तो जिसे क्या करते हैं, अम्लीकृत, जिसे अम्लीकृत करने पर क्या प्राप्त होता है, हमारे पास फिनोल प्राप्त होता है। जैसे ही हम अम्लीकरण करेंगे इसे हमें क्या मिल जाता है, हमारा फिनोल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी वो हमें देखनी है, ये रिएक्शन कैसे होगी वो हमको देखना है। देखते हैं शुरुआत करेंगे बेंजीन से। कहाँ से शुरुआत करते हैं, बेंजीन, शुरुआत से शुरुआत करते हैं बेंजीन से। सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और हम जानते हैं कैसे बनता है, जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, फ्यूमिंग। फ्यूमिंग का मतलब है सधूम्र। अगर फर्स्ट ईयर का भूले नहीं हो, थोड़ा बहुत याद है, तो ये मैकेनिज्म मैं दोबारा नहीं कराऊंगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में बहुत पढ़ के आए हो, बहुत पढ़ा होगा कि बेंजीन के साथ ये बेंजीन जो है कैसे अभिक्रिया देता है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये फर्स्ट ईयर में नहीं जाएंगे, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। तो सधूम्र किसके साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ कराते हैं, या फिर ओलियम के साथ कराते हैं, ओलियम, ठीक है। क्या होती है ओलियम, ओलियम जानते हो ना, H2S2O7 ओलियम जो होता है, जो तो H2SO4 से भी ज्यादा क्या कहते हैं, कंसंट्रेट होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब हम इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि यहाँ से एक एस चला जाता है और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, SO3H। एस चला जाता है और उसकी जगह पर क्या आता है, SO3H। मैकेनिज्म याद है ना, ये जो H2SO4 है यहाँ से हमको क्या प्राप्त होता है, SO3 प्राप्त होता है, कौन, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये आप लोगों ने पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में, बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है, SO3 क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, SO2 कुछ बनाते हैं पॉजिटिव चार्ज, है ना, वो नहीं बनता यहाँ पर, इंटरमीडिएट कौन बनता है यहाँ पर, SO3 बनता है, ये बनता है, ठीक है। फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तब एस पर पॉजिटिव और ओ माइनस बनता है, तो ये बनता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल। याद है ना, पढ़ाया होगा आपको फर्स्ट ईयर में, आई होप याद होगा आप लोगों को। तो मैं वापस से फर्स्ट ईयर में नहीं जा रही, अभी तो हमें सेकंड ईयर का बहुत सारा कवर करना है, सेकंड ईयर पर चलते हैं, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, NaOH। दिखा ना, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल मिल गया, ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, NaOH। NaOH में क्या होता है, Na+ होता है और OH- माइनस होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को ले लेगा और बाहर क्या निकलेगा, H2O। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो SO3 है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर जो SO3 है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या बना, सोडियम लवण बना, सबसे पहले क्या बना, सोडियम लवण बना, इसको क्या बोल सकते हैं, बेंजीन सल्फोनेट है, वो भी कैसा, सोडियम, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड था और यहां से नेगेटिव चार्ज आया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेंजीन सोडियम, बेंजीन सल्फोनेट, क्या बना, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट आयन बना, ठीक है, ये बना हुई। चलो अब आगे किससे रिएक्शन करेगा, हमने NaOH के साथ फ्यूज किया है ना, फ्यूज कराया NaOH, यानी कि हमने थोड़ा बहुत NaOH तो नहीं लिया होगा, बहुत सारा NaOH लिया होगा। तो फिर से यहाँ पर ये क्या करेगा, 2NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, 2NaOH, तो यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, यहाँ पर SO3 है और 2Na है, ये बाहर निकलेगा, यानी कि ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ से बाहर क्या निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलेगा Na2SO3, क्या निकलेगा, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड, क्या है ये, सोडियम सल्फेट नहीं है, SO4 नहीं है, SO3 है, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फाइड, यहाँ से सोडियम सल्फाइड जो है
वो बाहर निकला और क्या प्राप्त होगा हमको, हमको प्राप्त होगा ये O माइनस Na प्लस। क्या प्राप्त होगा हमको? O माइनस Na प्लस। यही तो है, क्या है ये? सोडियम फिनोक्साइड आयन। क्या है ये? यही तो बना हमारे पास, सोडियम फिनोक्साइड आयन। क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? सोडियम फिनोक्साइड आयन प्राप्त हुआ, ठीक है। और जैसे ही हमें ये प्राप्त हुआ, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा देंगे? डाइल्यूट HCl ले लें, या हम इसका अम्लीय जल अपघटन करा दें, H3O प्लस करा दें, H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा दें, जिसे हम वर्कअप भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्कअप करा दें इसका एसिड के साथ, यानी इसको एसिड के साथ अम्लीकृत करा दें। तो यहाँ से एसिड से, यहाँ H3O प्लस से हमको क्या मिलेगा, हमको क्या प्राप्त होगा? हमको प्राप्त होगा H प्लस, और H प्लस को कौन ले लेगा? O माइनस H प्लस को ले लेगा, और ये बन जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास कौन? फिनोल। फाइनली हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो गई? फिनोल की फॉर्मेशन हो गई। तो इस तरह से हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से किसका निर्माण करते हैं? फिनोल का निर्माण करते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, और भी विधि है। जल्दी से नोट कीजिए, फास्ट फास्ट। समझ में तो आ रहा है ना ये कैसे हो रहा है? ये तो समझ में आया ना ये कैसे बना? उम्मीद करती हूँ इतनी कल तुम लोगों के पास होगी, नहीं होगी तो ये देखो, यहाँ पर जैसे ही SO3 बाहर निकलेगा, NaOH से क्या मिलता है? OH माइनस, तो यहाँ पर OH आएगा, है ना, और एक दो NaOH लिए थे तो दो OH माइनस होंगे, तो एक OH माइनस यहाँ से क्या कर लेगा? H प्लस को ले लेगा, तो ये क्या बना लेगा? ये बना लेगा यहाँ पर इस तरीके से O माइनस, और इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? Na प्लस, और यहाँ पर बाहर कौन निकलता है? यहाँ पर बाहर निकलता है H2O, तो Na2SO4 और H2O बाहर निकलता है, और ये बाहर निकल कर क्या बना लेता है? सोडियम फिनोक्साइड आयन बना लेता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये बाहर निकलता है, बना लेता है। जल्दी से नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है डाई एजोटाइजेशन से, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारी? डाई एजोटाइजेशन, रिएक्शन जो होती है बेंजीन की, उसका यूज करेंगे, यानी बेंजीन के डाई एजोनियम लवण से बनाएंगे। थर्ड प्रिपरेशन क्या है? बेंजीन के किससे? डाई एजोनियम लवण द्वारा, यानी कि डाई एजोनियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन, बेंजीन के डाई एजोनियम साल्ट से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो बेंजीन है तो ये कैसे बनता है? बेंजीन के डाई एजोनियम, डाई एजोनियम लवण को क्या करने पर? लवण के जलीय विलयन को, लवण के जलीय विलयन को क्या करते हैं? उबालते हैं। तो उबालने पर या वाष्प आश्वन कराने पर, वाष्प आश्वन कराने पर कौन प्राप्त होता है हमको? फिनोल प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? फिनोल प्राप्त होता है भाई, ठीक है भाई, फिनोल प्राप्त होगा। कैसे होगा? सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? बेंजीन के डाई एजोनियम लवण की करनी पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? बेंजीन के डाई एजोनियम लवण की। वो हम कैसे बनाते हैं? वो हम कैसे बनाते हैं? बेंजीन का डाई एजोनियम लवण हम कैसे बनाएंगे भाई, बताओ भाई, पता है ना? नहीं पता होगा तो अब देख लेते हैं। हमें क्या बनाना है? बेंजीन का डाई एजोनियम लवण बनाना है। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं हम डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन।
ये क्या है हमारे पास? एनिलीन है। कौन है? एनिलीन है। जब हम एनिलीन की डाइएज़ोटाइजेशन अभिक्रिया कराते हैं, यानी किसके साथ? NaNO2 प्लस HCl के साथ, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। याद आ गई ना कौन सी रिएक्शन है ये? ये है डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। कौन सी? डाइएज़ोटाइजेशन, तो डाइएज़ोटीकरण हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम जानते हैं जैसे ये रिएक्शन होती है तो ये जो ग्रुप है किसमें चेंज हो जाता है? एनिलीन का ये जो NH2 ग्रुप है ये किसमें चेंज हो जाता है? डाइएज़ोनियम सॉल्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या बन जाती है? N2+। और ये HCl लिया हुआ है इसलिए बैलेंस किससे होती है? Cl- से होती है। ये बनता है, ये क्या बना हमारे पास? डाइएज़ोनियम लवड़ बना। क्या बना है? यही तो है हमारा डाइएज़ोनियम सॉल्ट। किसका? बेंजीन का। तो डाइएज़ोनियम सॉल्ट है ये बेंजीन का। जब मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराऊंगी? H2O के साथ, यानी कि जलीय विलयन को क्या करूंगी? इसका विलयन लूंगी किसमें? जली में ना, तो जलीय विलयन को उबालूंगी, क्या करूंगी? वार्म करूंगी। तो यहाँ पर क्या करूंगी? गर्म, वार्म करूंगी, हल्का सा हीट करूंगी, वार्म करूंगी। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाता है? तो यहाँ से बाहर निकल जाती है कौन? N2 गैस बाहर निकल जाती है। कौन बाहर निकल जाती है यहाँ से? N2 गैस बाहर निकल जाती है। साथ में कौन निकलेगा यहाँ से? HCl बाहर निकलता है। और हमारे पास क्या निर्माण होता है? हमारे पास निर्माण होता है यहाँ पर किसका? यहाँ पर निर्माण होता है हमारे फिनॉल का। किसका निर्माण होता है? फिनॉल का होता है। अब ये कैसे होता है मैकेनिज्म देखते हैं। जल्दी से नोट कीजिए फिर मैकेनिज्म देखते हैं। नोट किया? ठीक है, मैकेनिज्म देखते हैं कैसे होती है। तो ये थी हमारे पास, सबसे पहले तो हम डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन करानी है। सबसे पहले तो हमें क्या बनाना है? डाइएज़ोनियम लवण बनाना है। और डाइएज़ोनियम लवण किससे बनेगा? एनिलीन से। तो हमने जो पहला स्टेप क्या लिया था? डाइएज़ोटाइजेशन यानी कि एज़ोटीकरण अभिक्रिया ली थी, है ना। तो मैकेनिज्म की शुरुआत जो होगी वो वहीं से होगी, लेकिन एनिलीन के साथ शुरुआत नहीं होगी। जो हमने वहां पर रिएजेंट लिए थे, क्या लिए थे? NaNO2 और साथ में कौन लिया था? HCl। ये रिएक्ट नहीं करता। आप सोचो कि NaNO2 रिएक्ट कर रहा, ये रिएक्ट नहीं करता। रिएक्ट तो वो करेगा जो इनसे बनेगा। तो NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं HNO2 प्लस HCl। क्या बनाते हैं? HNO2 बनाते हैं। और ये जो HNO2 है ये रिएक्शन करता है एनिलीन के साथ। तो HNO2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। पहले HNO2 को देख लेते हैं कि HNO2 कैसे रिएक्ट करेगा। HNO2 नहीं रिएक्ट करता, बल्कि यहाँ से नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। कौन बनता है यहाँ से? नाइट्रोसोनियम आयन बनता है जो रिएक्ट करता है एनिलीन के साथ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, HON OH, यहाँ से HON OH HNO2 है ना। और यहाँ पर क्या है हमारे पास? HCl है। HCl क्या देता है? H+ देता है। HCl क्या देता है? H+ देता है। देखा ना, यहाँ पर HCl लिख दिया, क्या बनता है? NaCl। HNO2 प्लस NaCl बनता है वहां पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? अम्लीय माध्यम है। हमने माध्यम कैसे लिया? अम्लीय। और अम्लीय माध्यम होगा तो यहाँ से क्या मिलता है? H+ मिलता है। ऑक्सीजन है यहाँ पर। ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेंगे? जाएंगे और H+ को ले लेंगे। ले लिया भाई, क्या हो गया? ऑक्सीजन से दो दो हाइड्रोजन जुड़ गए, प्लस N OH है। ऑक्सीजन पर जैसे ही तीन बॉन्ड बने, कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये तो बड़ा ही गजब हो गया, बहुत गलत बात हो गई। तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये क्या करेगा? ये जो बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है इनको खींचेगा अपनी तरफ, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा? H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास ये N OH+। इसको क्या बोलते हैं? यही तो है हमारा नाइट्रोसोनियम आयन। क्या है ये? हमारा नाइट्रोसोनियम आयन है। अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? एनिलीन के साथ। किसके साथ? एनिलीन के साथ। करा देते हैं भाई, ये मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को डाइएज़ोटाइजेशन होता कैसे है, मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगी एनिलीन से मैंने बनाया ये सॉल्ट बना दिया, लेकिन बहुत से बच्चों को पता ही नहीं कि ये होता कैसे है। ठीक है, तो पता तो होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे बनाती हूँ, ये है हमारे पास यहाँ पर क्या है? NH2।
क्या है यहाँ पर, NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और नाइट्रोजन के पास क्या होती है, लोन पेयर, प्लस हमारे पास क्या है, N डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यानी के पास इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास तो बहुत पैसे है, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, दानवीर बनकर इस पर अपने इलेक्ट्रॉन इसको दान करेगा, यानी कि इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर भाई, क्या होगा भाई, देखते हैं क्या होगा। नाइट्रोजन से दो एच तो पहले से जुड़े हुए थे, अब कौन जुड़ जाएगा, एन डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाएगा। जैसे ही इसने अपना लोन पेयर दिया, एक बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, दो बॉन्ड एच के साथ बने हुए, तीन बॉन्ड तो इसके पहले ही बने हुए थे, ये चौथा बॉन्ड बना लिया, और जैसे ही नाइट्रोजन चौथा बॉन्ड बनाएगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, नुकसान हो गया भाई इसको, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये एच है और एक एच और इससे जुड़ा हुआ होगा, है ना, दो एच जुड़े हुए थे, तो क्या होगा, यहाँ से एच प्लस बाहर निकलेगा और अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, नाइट्रोजन को दे देगा, तो यहाँ से बाहर कौन निकला, एच प्लस, ठीक है भाई, यहाँ से एच प्लस बाहर निकला, बना क्या हमारे पास, फिर हमारे पास बनेगा ये, यहाँ पर एन एच रह गया, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है ये बना, एन है यहाँ पर, एच रह गया और यहाँ पर एन डबल बॉन्ड ओ रह गया, ठीक है भाई, बन गया भाई, ठीक है। आगे आगे होगी टॉटोमेरिज्म, आगे क्या होगी हमारे पास, अब क्या होगी यहाँ पर हमारे पास, टॉटोमेरिज्म होगी, टॉटोमेरिज्म चलावयवता, चलावयवता जानते हो ना, हाइड्रोजन की चलने की वजह से होती है, यानी हाइड्रोजन अपनी पोजीशन को चेंज करता है, एक पोजीशन को छोड़कर दूसरी पोजीशन पर रहता है, कब होती है, जब इसके थर्ड पोजीशन पर कोई डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एटम हो, तो क्या करेगा ये प्रोटॉन, चलावयवता करेगा, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर, जैसे ही ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर आवेश कैसा आएगा, नेगेटिव, यहाँ से क्या मुक्त होगा, H प्लस, तो O माइनस H प्लस क्या बना लेंगे, OH बना लेंगे, यानी कि प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन जो है, वो नाइट्रोजन से छोड़कर कहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पर जुड़ जाएगा, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा, इसी को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या बनेगा भाई देखते हैं, ये बन गया हमारे पास N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O H, क्या बन गया, N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O H। अब क्या होगा यहाँ पर देखते हैं भाई, जगह नहीं वहां पर तो मैं यहाँ बना लेती हूँ उसको दोबारा से, क्या बना हमारे पास, ये बना N डबल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या है O H, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं भाई, लोन पेयर, और अभी अभी रिएक्शन में कौन मुक्त हुआ था, H प्लस, कौन मुक्त हुआ था अभी अभी, H सॉरी H प्लस बोल रहे, यहाँ पर अभी अभी कौन मुक्त हुआ था, H प्लस मुक्त हुआ था, तो इस H प्लस को कौन ले लेगा भाई, इस H प्लस को कौन ले लेगा, ओ एच ले लेगा, इस H प्लस को ले लिया भाई। अब क्या होगा आगे, जैसे ही इसने एच प्लस को ले लिया, फिर से ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, तीन बॉन्ड हो गए, ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, यहाँ नाइट्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर था, अब ये लोन पेयर जाएगा इधर, और यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से कौन हुआ, माइनस H2O हुआ, और फाइनली हमारे पास क्या बन गया, फाइनली हमारे पास बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N, और इस नाइट्रोजन पर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार बॉन्ड बनाए, और इसको स्टेबलाइज कौन करता है, Cl माइनस, इसी को तो हम लिखते हैं, इसी को तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं जैसा कि हमने लिखा था, क्या लिखते हैं हम इसको, कि यहाँ पर बना N2+, इसको कौन स्टेबलाइज कर रहा है, Cl-, ये बना हमारा डाई एजोनियम लवण। तो इस तरह से अभी तो हमारा केवल डाई एजोनियम लवण बना है, अब हम देखेंगे कि फिनॉल कैसे बनाए, डाई एजोनियम लवण से फिनॉल कैसे बनाए, तो इतना नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, डाइएजोनियम लवण तो बन गया, अब तो बहुत आसान है, मेन काम तो बस यही था डाइएजोनियम लवण को बनाना, बाकी तो आसान है भाई सब कुछ, बाकी सब कुछ तो आसान है। अब क्या होना है, अब क्या होना है भाई,
अब हमारे पास ये बन गया। यहाँ पर क्या है हमारे पास एन टू प्लस है और हमारे पास क्या है सी एल माइनस है। एन टू प्लस है सी एल माइनस है। अब इसके जलीय विलयन को हम क्या करेंगे, ठीक है क्या बनेगा यहाँ पर, जैसे ही हम एच ओ एच के साथ रिएक्ट कराएंगे इसका, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एच ओ एच से क्या मिलता है हम जानते हैं, एच प्लस और ओ एच माइनस प्राप्त होता है ना। जैसे ही हम इसे वार्म करेंगे हीट करेंगे तो यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, एन टू गैस। और हम जानते हैं जिस रिएक्शन में भी गैस निकलती है बाहर वो रिएक्शन कैसे होते हैं, एंट्रोपिकली फेवर्ड होते हैं, यानी कि रिएक्शन की एंट्रोपी बढ़ जाती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बढ़ जाता है। तो जैसे ही हम इसे हल्का सा गर्म करेंगे यहाँ से एन टू गैस बाहर निकलेगी, कौन बाहर निकलेगी एन टू गैस बाहर निकलेगी, माइनस एन टू होगा ठीक है बाहर निकल जाएगी। जैसे ही एन टू गैस बाहर निकलेगी यहाँ पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आएगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज आएगा और उस पॉजिटिव चार्ज पर कौन अटैक कर देगा, ओ एच माइनस। तो जैसे ही वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वहां पर कौन अटैक कर देगा, वहां पर अटैक कर देगा ओ एच माइनस और क्या बना लेगा हमारे पास, बना लेगा फिनोल। एन टू गैस बाहर निकली साथ में क्या निकलेगा एच सी एल बाहर निकल जाएगा और इस तरह से हमारे फिनोल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है मेन पॉइंट था, मेन जो काम था वो तो क्या था, वो था हमारा क्या बनाना, डाई एजोनियम लवण बनाना, बाकी तो सब इजी है। देखते हैं आगे, और देखते हैं आगे, ये तो था डाई एजोनियम लवण से। ठीक है अब हम देखेंगे नेक्स्ट विधि, नेक्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है। तो अब हम बनाएंगे किससे, क्यूमिन से। चौथा जो हमारा प्रोसेस होगा वो किससे है, क्यूमिन से बनाएंगे, फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन क्या होता है, क्यूमिन मतलब जीरा नहीं है, यहाँ पर जीरा मत समझ लेना, जीरे से बनाएंगे। ठीक है क्यूमिन क्या होता है, क्यूमिन किसे बोलते हैं, तो क्यूमिन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। किसको बोला जाता है, क्या है क्यूमिन, ये है भाई क्यूमिन। ये आइसो प्रोपाइल बेंजीन क्या है, ये भाई आइसो प्रोपाइल बेंजीन है, इसे हम क्या कहते हैं क्यूमिन कहते हैं, इसी का नाम क्या है क्यूमिन। तो इससे बनाएंगे हम, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बनाएंगे हम कौन, फिनोल, क्यूमिन। ठीक है ठीक है, तो ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बनाना है हमें फिनोल। अभी कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक नई विधि है, इससे पहले हमने एक औद्योगिक विधि पढ़ी थी डाउ प्रोसेस है ना, रशिंग प्रोसेस और डाउ प्रोसेस। अब ये एक नई विधि है, इसमें आजकल हम यूज करते हैं औद्योगिक स्तर पर फिनोल के फॉर्मेशन के लिए। इसमें सबसे पहले क्या बनाया जाता है, क्यूमिन का निर्माण किया जाता है। क्यूमिन का निर्माण किससे होगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन था तो किससे होगा, बेंजीन से होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले वन मिनट चल लिया हमारा, बेंजीन तथा प्रोटीन की AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये कौन सी रिएक्शन है पहचान में आ रही है, AlCl3 उत्प्रेरक है, प्रोपीन है, क्या है ये, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। पहले क्या होगी, बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया होगी। कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट, दो तरह की होती है ना, एक होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एक होती है एल्काइलेशन और दूसरी होती है एसाइलेशन। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, याद आ रहा है ना, तो की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, क्यूमिन का निर्माण होता है। सबसे पहले कौन बनता है, क्यूमिन बनता है, तो क्यूमिन का निर्माण होता है, जो होता है जो किसकी उपस्थिति में, HBr की उपस्थिति में, कितने टेम्परेचर पर, 150 डिग्री, यहाँ पर भी टेम्परेचर हाई रखना पड़ता है, तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करता है, फिर ये रिएक्शन करता है किसके साथ, 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर O2 द्वारा, किसके साथ रिएक्ट करता है, O2 द्वारा अभिकृत होकर
किसके द्वारा? O2 द्वारा अभिकृत होकर क्या बनाता है? क्यूमिन, हाइड्रो परऑक्साइड बनाता है। सबसे पहले कौन बनाता है? क्यूमिन हाइड्रो परऑक्साइड। ये टेम्परेचर, ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी कर सकते हैं या HNO की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। दोनों चीज लिख दो, ताप या फिर किसकी उपस्थिति में? HNO या फिर HNO। HNO मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, और ज्यादातर ये जो रिएक्शन होती है वो HNO की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? HNO की उपस्थिति में होती है, ताप पर होती है। ठीक है, तो हाइड्रो परऑक्साइड बनाता है। फिर ये क्या करता है? फिर यह किसके साथ? H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो तनु H2SO4 के साथ क्या बनाता है? अभिक्रिया द्वारा क्या बनाता है? एक तो बनता है हमारे पास फिनोल, साथ में क्या बनता है? एसीटोन। यानी कि यहाँ पर दो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक बनता है हमारे पास फिनोल और दूसरा क्या बनता है? एसीटोन। दोनों का ही निर्माण हो जाता है सिंगल विधि से, एक ही विधि से। चलिए देखते हैं कैसे होती है ये रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है भाई? पहले तो ए फ्रीडलक्राफ्ट अभिक्रिया होगी, बेंजीन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? प्रोपीन के साथ, CH डबल बॉन्ड CH2। किसकी उपस्थिति में? AlCl3, वो भी कैसा? एनहाइड्रस, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होगी। इसी को क्या बोलते हैं हम? फ्रीडल, क्या ये? फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, है ना? यही तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। कैसे होती है बाद में देखेंगे। फिर क्या बनेगा यहां से? यहां से बनेगा हमारे पास CH CH3 CH3। ये क्या है? क्यूमिन, या इसको बोलते हैं आइसो प्रोपिल एल्कोहल, सॉरी आइसोप्रोपिल, क्या ये? आइसोप्रोपिल बेंजीन। क्या बन गई हमारे पास? बन गई है अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। जैसे ही आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगी, हम इसको किसके साथ, इसका क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कैसा? एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि किससे रिएक्शन कराएंगे? O2। O2 कहाँ रहती है? हमारे वातावरण में रहती है, अलग से थोड़ी ना लाएंगे, कहाँ रहती है? वातावरण में। यानी इसको बोलते हैं एरियल ऑक्सीडेशन होता है इसका। O2 के साथ रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में? HNO की प्रेजेंस में होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? HNO की प्रेजेंस में होती है। और ये बनता है भाई, वो मैकेनिज्म में देखेंगे कैसे बनता है। OOH ये बनता है CH3 CH3। यही तो है हमारा जो हमने लिखा था, क्या बना है? हाइड्रो परऑक्साइड। क्या है ये? यही तो है हमारा हाइड्रो परऑक्साइड। क्या बन गया हमारे पास? हाइड्रो परऑक्साइड बन गया। ये क्या है हमारा? हाइड्रो परऑक्साइड है। ठीक है, फिर आगे क्या होगा? फिर इसका H2SO4 कैसा? तनु डाइल्यूट H2SO4, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ H+H2O। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब अम्लीय जल अपघटन होगा यहाँ पर इसका। और अम्लीय जल अपघटन के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास? दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे हमारे पास, एक तो प्राप्त होगा हमको फिनॉल और दूसरा प्राप्त होगा हमको एसीटोन CH3CO CH3। ये प्राप्त होगा। तो अब हमें ये देखना है कि ये होगा कैसे, मैकेनिज्म देखना है। तो जल्दी से इसे नोट कीजिए रिएक्शन को, फिर मैकेनिज्म देखते हैं। जल्दी से मैकेनिज्म देखते हैं। चलिए भाई मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले बेंजीन से क्या बनेगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनना है। कैसे बनेगा? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हम जानते हैं दो स्टेप में होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल बनता है। और फिर उस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन किस पर होती है? बेंजीन पर। तो हमारे पास क्या था? हमारे पास यही तो था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये था ना। और साथ में हमारे पास क्या था? AlCl3 था, है ना? क्या था? AlCl3 था। साथ में हमारे पास क्या होता है? एसिड भी रहता है H3PO4। और जब हम इसको हीट करते हैं H3PO4, कोई एसिड भी रहता है, जब हम इसे हीट करेंगे तो क्या होता है?
ये H3PO4 एसिड है तो ये क्या देगा, H+ देगा, क्या देगा, H+। अब वो H+ कहाँ जुड़ेगा, हम जानते हैं, आपने सुना होगा ना मार्कोनिक ऑफ एडिशन, या मार्कोनिक ऑफ एडिशन नहीं करेंगे हम क्योंकि हम दोनों को ऐड नहीं कर रहे, केवल H+ को ऐड करना है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H+ मिलेगा, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा CH3, और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा, इस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको क्या मिला, H+। ये नेगेटिव चार्ज क्या ले लेगा, H+ को ले लेगा, और क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा, और इस कार्बन पर से एक बॉन्ड कम हुआ है तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और यही है हमारा, क्या बना है हमारे पास, 2° कार्बो कैटाइन बना है, और यही हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब बेंजीन की रिंग जो है वो इसी पर अटैक करेगी, है ना, जानते हो ना कैसे करेगी, जानते हो ना, ये रहेगा CH3 CH CH3। तो क्या होगा, मान लो ये वाला जो पाई बॉन्ड है यहां से बना हुआ है इसको, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ कार्बन पर कार्बो कैटायन था, इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा, इसने अटैक किया ऐसे था, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, इसने अटैक किया है तो यहाँ पर तो आया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या जुड़ा, CH, और इससे जुड़ा हुआ है CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्या रहेगा, H रहेगा, ठीक है, वापस एरोमेटिक रिंग थी, अब एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, तो ये क्या करेगा, वापस एरोमेटिक होना चाहेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -H+ हो जाएगा, और -H+ हो जाएगा तो वापस से ये क्या बना लेगा, यहाँ पर हमारी क्या बना लेगा, बेंजीन रिंग बना लेगा, और इसको सीधा करके लिख दूं तो ये बन जाएगा हमारे पास, यही क्या है हमारा, क्यूमिन है, क्या बन गया हमारे पास, क्यूमिन बन गया, ठीक है भाई, क्यूमिन बन गया। ये हम रिएक्शन AlCl3 की उपस्थिति में भी करा सकते हैं, और किसकी उपस्थिति में, H3PO4 की उपस्थिति में भी करा सकते हैं, ठीक है, हीट कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया, क्यूमिन बन गया। अब रिएक्शन किसके साथ होगी, अब रिएक्शन होगी हमारी क्यूमिन के साथ, तो हमने क्यूमिन को ऐसे लिख दें, CH को मैंने ऐसे लिख दिया, CH3 CH3, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, O डबल बॉन्ड O, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, H-nu, या तो हम इसको H-nu दें, या बहुत हाई टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर रखा जाता है, तो क्या होगा, या तो हम इसको H-nu दें, या हम बहुत हाई टेम्परेचर रखें, 150°C रखें, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, इसका क्लीवेज हो जाएगा, संविदलन हो जाएगा, कैसे, फ्री रेडिकल में, एक इस पर रेडिकल आ जाएगा, एक इस पर रेडिकल आ जाएगा, ऐसे ही ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है CH बॉन्ड, इसका भी क्या हो जाएगा, संविदलन हो जाएगा, संविदलन हो जाएगा HNU की उपस्थिति में। तो आप सभी जानते होंगे ना, जब रिएक्शन HNU की उपस्थिति में होगी, हम किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, HNU, तो जब भी रिएक्शन HNU की उपस्थिति में होती है तो हमेशा किसकी जनरेशन होती है, फ्री रेडिकल की, है ना, तो यहाँ से भी हमारे पास क्या जनरेट होगा, फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारे पास, इस कार्बन पर रेडिकल बनेगा, और मैं इसको ऐसे लिख दूं, ऐसे बनाऊंगी, ये रेडिकल, यहाँ पर CH3 CH3, ठीक है, साथ में हमारे पास क्या है, साथ में हमारे पास है O रेडिकल, और यहाँ से हमारे पास क्या निकला है, H रेडिकल, तो क्या होगा, O रेडिकल H रेडिकल मिल जाएगा, और ये रेडिकल और ये वाला रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, क्या बना लेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, यहाँ पर है तो ये बन जाएगा CH3 को इधर लिख दूं, CH3, तो क्या बन जाएगा, O बॉन्ड H, ठीक है, यहाँ ऐसे बहुत लंबा जा रहा है, ऐसे बना देते हैं, CH3 CH3 O O H, ये बन गया। अब यहाँ पर ये परऑक्साइड बॉन्ड बन गया, क्या है ये, परऑक्साइड बॉन्ड, और हम जानते हैं परऑक्साइड बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, परऑक्साइड बॉन्ड कैसा होता है भाई, वीक होता है, वीक होता है, तो ये ब्रेक करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास एंड में हम क्या लेते हैं, H2SO4 लेंगे ना, H2SO4 क्या लिया था हमने, डाइल्यूट H2SO4, H2SO4 से हमको क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या करेंगे, H+ को ग्रहण करेंगे, H+ को ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बना हुआ है, CH3 CH3
H3S3, ठीक है। यहाँ पर O O H और इसने क्या ले लिया, H प्लस ले लिया। तो जैसे यहाँ पर H प्लस ले लेगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट है, अब क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट होगी। फिनाइल शिफ्ट क्या होती है भाई, ये जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया ये तो बाहर निकलेगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आएगा, जैसे ही ऑक्सीजन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये अपने बॉन्ड लेकर निकलेगा, तो यहाँ पर कैसा चार्ज आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये फिनाइल रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचती है। फिनाइल रिंग क्या करती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचती है और यहाँ से शिफ्ट हो जाती है, कहाँ पर, ऑक्सीजन पर। तो जैसे ही H2O बाहर जाता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये फिनाइल रिंग क्या करती है, शिफ्ट हो जाती है, कहाँ पर, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाती है। तो इसको बोलते हैं फिनाइल शिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, क्या प्राप्त होगा देखते हैं, फिनाइल शिफ्ट में क्या प्राप्त होगा, दिख तो रहा है ना आपसे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिखू, मॉलिक्यूल तो दिख रहा है ना, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जैसे ही फिनाइल शिफ्ट हुई तो ये जो फिनाइल रिंग है किस पर शिफ्ट हो गई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, CCH3, और यहाँ पर क्या है, CH3। तो यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये वाला कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, और कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर कैसा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, और बाकी हमारी फिनाइल रिंग है, ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया। जैसे ही कार्बोकैटायन बनेगा, इस पर कौन अटैक कर देगा, इस पर अटैक कर देगा H2O। कौन अटैक कर देगा भाई, H2O। साथ में यहाँ पर कौन बाहर निकला है, ये वाला H2O भी बाहर निकला है, ठीक है। H2O अटैक कर देगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर जाएंगे, इस कार्बन पर अटैक करेंगे। चलो भाई ठीक है, कार्बन पर अटैक करेंगे तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा देख लेते हैं। ये बनाया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कार्बन, CH3, यहाँ पर बन जाएगा OH2+, क्या बन जाएगा, OH2+ होना। जैसे यहाँ पर OH2+ होना, यहाँ से क्या होगा, एक H+ बाहर निकल जाएगा, एक H+ बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा, ऐसे लिखते हैं, क्या बनेगा, ये ऑक्सीजन है, C इधर बना देती हूँ, CH3, और यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा OH, क्या बचेगा, OH। फिर क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये जाएंगे नीचे की तरफ, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर। ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा। तो हमारे पास क्या बनेगा देख लेते हैं, अब हमारे पास हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या बनेगा हमारे पास, जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड O- पर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहले तो बनेगा ये, एक तो बनेगा O-, एक तो बनेगा O- प्लस दूसरा क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड OH+, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड OH+ बनेगा, है ना। यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ पर O- है, तो ये जो H+ निकलेगा यहाँ से, इसको कौन ले लेगा, ये ले लेगा O-, और फाइनली क्या बना लेगा, फाइनली बना लेगा ये, यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस प्रकार क्यूमिन से फिनॉल का निर्माण हुआ, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बने, एक तो हमारा बना फिनॉल और दूसरा क्या बना, एसीटोन। तो इस तरह से हमारा फॉर्मेशन होता है क्यूमिन से फिनॉल का, ठीक है। तो ये था पूरा मैकेनिज्म कि हम क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो बाकी का जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, 5 से 6 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 7 वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।